हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो आप सबको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली स्पेशल है, तो आज एक घंटा मार्केट खुलता है, उसे मोरा ट्रेडिंग कहते हैं। तो मोरा ट्रेडिंग पे देखते हैं आज क्या होता है ना, गैप अप चांस ज्यादा होते हैं जो अभी तक पास डेटा में है। गैप अप होकर थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर वहाँ से रिवर्स लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। तो आज भी गैप अप के चांसेस दिख रहे हैं। मार्केट कहाँ ओपन होंगे, 17815 के यहाँ पे ओपन हो सकता है मार्केट निफ्टी का। तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ आ सकती है, 17839 के लेवल पे, उसके ऊपर है 17862 के यहाँ पे। इन केस यहाँ पे अगर नीचे आता है जब वहाँ पे, तो पहला सपोर्ट कहाँ बन सकता है वो है 17787 के जो रेंज है ये वाली, और उसकी ये वाली 17760, ये वाले एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है पहला। उसके बाद बनेगा सेकंड आएगा 17670 के आसपास, और उस 17658 के वहाँ पे। तो ये वाले दो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट बन सकते हैं, और ऊपर दो है जो रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और क्वांटिटी आज कंट्रोल में रखना, क्योंकि एक घंटे का मार्केट खुलेगा तो एक घंटे में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, फिर उसमें या रिवर्सल हो सकता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसमें सेटल करने के लिए। फिर ऐसी कंडीशन में तो अर्ली उसमें जो टाइम रहेगा उसमें ट्रेड करने का प्लान करें, 5-10 मिनट वेट करें बस वहाँ पे, उसके बाद ट्रेड के लिए एंट्री का प्लान करें। और एक अच्छी चीज़ है ना, आज ये करना चाहिए कि आज इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट करें यहाँ से। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो आज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसके लिए आप ETF में जा सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं, जो सबसे सेफ रहता है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ETF आप सबसे ज़्यादा सेफ है, अगर ETF मतलब निफ्टी का ETF ले सकते हैं। अगर इनकेस निफ्टी खत्म हो गया तो मतलब फिर तो पूरा स्टॉक मार्केट ही खत्म है, तो निफ्टी का आप ले सकते हैं या फिर गोल्ड भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। जैसे अब बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी अगर देखो चांसेस क्या है, 1.63% ऊपर खुलने के चांसेस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लेवल आता है यहाँ पे ओपन होने का 41485 के यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होने का। अब उसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ सकती है, 41502 के यहाँ पे, सेकेंड आ सकती है 41602 के यहाँ पे। ये तो दो रेजिस्टेंस हो गई। सपोर्ट कहाँ सकता है, पहला 41043 के यहाँ पे पहला आ सकता है, 41032 के यहाँ पे इस तरीके से रेंज पे, और सेकंड आ सकता है 40911 के वहाँ पे। तो ये दो सपोर्ट बनेंगे, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आज के लिए, तो उस अकॉर्डिंग ध्यान रखें। अगर कोई भी मान लीजिए 41501 के ऊपर खुलता है मार्केट सपोज करो, तो ये फिर इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा, या फिर 41629 के ऊपर खुलता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे उसमें। तो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है मतलब बाद में इसमें, और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट की तरह काम करने लग जाती है अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे खुल जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।